अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम अशरफ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नई जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा हब्बे शिफा के बारे में। क्या इसके फ़ायदे हैं, किन किन लोगों पर इनको इस्तेमाल करा सकते हैं और क्या इसका तरीका है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। जैसा ये जो मेरे हाथ में है ये हमदर्द कंपनी इसको तैयार करती है, हालांकि कई और कंपनियां भी इसको तैयार करती हैं, लेकिन मेरा जो ज़्यादा इन पर तजुर्बा है वो हमदर्द कंपनी पर ज़्यादा है, क्योंकि इनके प्राइस भी कम होते हैं और इनका रिजल्ट भी अच्छा होता है। जैसा ये हब्बे शिफा है इसके अंदर 100 गोली आती हैं। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस 25 रुपये यानी 25 रुपये ओनली। इससे सस्ती दवा आपको शायद ही कहीं मिलेगी। इसके अंदर टोल फ्री नंबर भी रहता है, आप चाहें तो इनसे भी कांटेक्ट करके इनसे मशवरा ले सकते हैं, हालांकि बहुत कम मिलते हैं ये नंबर। और ये यूनानी कंपनी है हमदर्द। इसकी फ़ायदे की अगर बात करें, ये नज़ला, जुखाम, खांसी, बुखार, सर दर्द, जोड़ों के दर्द, यानी ये 4-5 इस तरह की जो बीमारी हैं सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिनको पुराना नज़ला है, जुकाम है या खांसी है, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। और अगर बुखार है, जिनको पुराना बुखार है या जिनको नौबती बुखार बोलते हैं, उस पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये नए बुखार पर भी काम आती है और पुराने बुखार पर भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। सर दर्द के लिए भी ये बहुत ही अच्छी दवा है। जिनको सर दर्द रहता है या जिनको वक्ती तौर पर रहता है उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिनको लंबे समय से सर में दर्द है ऐसे लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको जोड़ों के दर्द पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिनको घुटनों में तकलीफ़ है या हाथ पैरों में कहीं भी तकलीफ़ है यानी जोड़ों का दर्द है, ऐसे लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अगर खुराक की बात करें, इसकी खुराक सुबह शाम 1 गोली पानी के साथ इस्तेमाल करें खाने के बाद में। इसको खाली पेट कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनकी तासीर गर्म खुश्क होती है। इनको इस्तेमाल करने से पहले किसी वैद्य हकीम के मशवरे के बाद ही इनको इस्तेमाल में लाया जाए, क्योंकि ये गर्म खुश्क होती है जो कि शरीर में घबराहट या बेचैनी महसूस होती है इनको इस्तेमाल करने से। अगर ऐसी सूरत में अगर किसी को ऐसी परेशानी हो जाती है, यानी अगर वो बगैर मशवरा के इनको इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसके लिए फिर आप एक काम कर सकते हैं। इसमें अर्क जबान आता है, घबराहट बेचैनी को दूर कर देता है, जो कि अर्क यानी जिस तरह पानी होता है, अर्क उसी को कहते हैं, ये पानी की तरह होता है, उसको आप इस्तेमाल करें, उससे घबराहट और बेचैनी दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है। इसके अंदर जो मेन जो इसके अंदर जो दवा है वो है तुखम धतूरा जो है सबसे ज़्यादा इसके अंदर डला हुआ है। उसके बाद इसमें रेवंद चीनी है, सौंठ है यानी जंजबील है, और इसके अलावा इसमें गोंद की कर जिसको बबूल भी कहते हैं। इसके अंदर ये 4 दवा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें डला हुआ है वो है तुखम धतूरा, जो कि गर्म खुश्क है, दर्जा 3 में भी बाद लोग कहते हैं और बाद लोग दर्जा 4 में भी कहते हैं। इसलिए इनको गर्म मिजाज वालों को सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, और जिनका बलगमी मिजाज है वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इनको किसी वैद्य हकीम के मशवरे के बाद इस्तेमाल करें। इसमें ये आपका ही फ़ायदा होता है, क्योंकि आप अपनी तरफ से कोई भी दवा इस्तेमाल ना करें, उससे बजाय फ़ायदे के आपको नुकसान हो सकता है। तो ये थी आज की इस वीडियो में जानकारी हब्बे शिफा के बारे में। इस तरह की और वीडियोज़ को पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।